विधायक असलम रानी ने जाना पीड़ितों परिवार का हाल। न्याय दिलाने के दिया पूर्ण आश्वासन। बलात्कार करने वालों को होना चाहिए फांसी की सजा, यूं लगना चाहिए। NSE असलम रानी विधायक ने बलात्कार करने वाले व्यक्तियों पर NSE लगने की मांग। जिलाधिकारी ने करते हुए तुरंत चर्च सीट लगाने की मांग कर रहे। विधायक ने मेडिकल कॉलेज लखनऊ CMS से वार्तालाप करके पीड़ित मासूम बच्ची के लिए समुचित इलाज करने का दिशा निर्देश दिया गया। विधायक ने जिलाधिकारी DIG व DGP से टेलीफोनिक वार्ता करके कठोर कार्रवाई की मांग करे, जिससे पीड़ित परिवार के इंसाफ मिल सके। जिला प्रशासन श्रावस्ती का कार्य सराहनीय है, जिन्होंने आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। असलम रानी विधायक भिनका व विधायक प्रतिनिधि तौतीफ असलम ने पतिझा गाँव के दौरा कर पीड़ित घर जाकर परिवार वालों का हाल चाल और संभव मदद आश्वासन दिया। खास रिपोर्ट भुसो अहमद श्रावस्ती। आज ये ग्राम पतिझिया, ये हमारे विधानसभा क्षेत्र 289 भिंगा में ग्राम, ये विकास खंड हरिहरपुर रानी के ग्राम पतिझिया गांव में अभी दो दिन पहले जो घटना हुई है वो बहुत ही शर्मनाक है। 8 साल बच्ची के साथ जो रेप हुआ, बलात्कार हुआ है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग जो हैं पुलिस के छोटे कर्मचारी, जिसको मैंने कप्तान साहब से भी कहा था कि बीट के जो चार्ज होते हैं, इंचार्ज जो बीट के सिपाही होते हैं, बीट के दरोगा होते हैं, ये कई कई साल तक वहाँ जमे रहते हैं। ये तो कप्तान साहब की और हमारे इंस्पेक्टर भिंगा की ये इतनी त्वरित कार्रवाई थी, जो उन्होंने मुलजिम को तुरंत पकड़ लिया और कस्टडी में लेकर के उसके ऊपर धारा लगाया है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करता हूँ कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के सभी रेपिस्ट के ऊपर NSA लगा हुआ है, इसके ऊपर भी NSA लगना चाहिए और जितना मुआवजा अलीगढ़ और कहीं भी रेपिस्ट के परिवार को मिला है वही मुआवजा हमारे ग्राम पतिझिया में भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वो मुआवजा हमारे पतिझिया ग्राम में, हमारे विधानसभा 289 भिंगा में, इसको तुरंत कार्रवाई करावाएं और उसका मुआवजा गरीब परिवार को दें। बहुत ही गरीब परिवार है, अगर आप देखें तो इनके यहाँ झोपड़ी भी नहीं है, ये देख लीजिए जरा सा भी इनके यहाँ कुछ नहीं है। और ऐसी स्थिति में मैं पूरी मांग करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस पर मुआवजा तुरंत दें और NSA लगवाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित करें, जिससे कि दूध का दूध पानी का पानी हो और आइंदा ऐसी कोई घटना हमारे विधानसभा में ना हो। मैं इतना जरूर कप्तान साहब से कहूंगा कि इनके ऊपर भी वो NSA लगाएं। और मेडिकल कॉलेज के CMS से मेरी वार्ता हुई है, मैं आज ही रात में मैं उस बच्ची को देखने जरूर जाऊंगा ट्रामा सेंटर में, फिर उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से कल मिलूंगा।